हाय, हम में से बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और वो भी एक साथ। वेल, दिस इज नॉट ट्रू। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो तो इसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेकेंड मेथड है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस मेथड में आप पीरियोडिकली थोड़े थोड़े पैसे गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, छोटे छोटे कदमों से बड़ा सफर तय किया जाता है, या फिर बूंद बूंद से सागर बनता है, ईंट से ईंट जुड़कर मकान बनता है। दिस मीन्स यू कैन अचीव ग्रेट थिंग्स इफ यू टेक स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली। SIPs का बिल्कुल यही प्रिंसिपल होता है। SIP इज अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। हियर्स व्हाई। जब आप स्टॉक SIP में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट पर जो अर्निंग्स मिलते हैं उन अर्निंग्स पर भी आप अर्न कर सकते हो इन द लॉन्ग टर्म। इससे आपका पोर्टफोलियो कुछ सालों बाद बड़ा हो सकता है। ये आपको एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन दिलाता है, बिकॉज आप रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हो। पीरियोडिकली एक फिक्स्ड अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको एक ही टाइम पर ज्यादा पैसे अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी एवरेज हो जाती है ओवर द लॉन्गर पीरियड। SIP रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग अ लमसम अमाउंट ड्यूरिंग पुअर मार्केट कंडीशंस। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 3 स्टॉक्स दैट यू कैन कंसिडर फॉर योर स्टॉक SIP। इन 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हमने ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखा है। नंबर 1, लार्ज कैप स्टॉक्स। नंबर 2, 3-year एवरेज CAGR ऑफ स्टॉक प्राइस। एंड नंबर 3, 5-year एवरेज CAGR ऑफ स्टॉक प्राइस। These criteria to make sure कि हम सिर्फ fundamentally strong और well performing stocks पर focus करें। So what are we waiting for? Let's get to know the 3 stocks to begin SIP. First company in our list is, wait, पहले channel को subscribe जरूर करें। The first company in our list is TCS, Tata Consultancy Services. टाटा ग्रुप की मल्टीनेशनल आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी ये है। 1968 में एस्टैब्लिश हुई ये आईटी जायंट आज 150 लोकेशन से ऑपरेट करती है, स्प्रेड अक्रॉस 46 कंट्रीज। इट एम्प्लॉयज ओवर 6 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड। TCS इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने आईटी सर्विसेज ग्लोबल क्लाइंट्स को ऑफर करना शुरू किया। Over the years, TCS has grown to become one of the largest IT services company in the world. इस आईटी जायंट का इनोवेशन एंड कस्टमर सर्विस में काफी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। TCS's मेन बिजनेसेस आर आईटी सर्विसेज। TCS वाइड रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज ऑफर करती है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये कंपनी कंसल्टिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस। Digital transformation. TCS helps clients transform their businesses through the use of digital technologies like cloud computing, big data and artificial intelligence. पिछले कुछ सालों में TCS ने काफी ग्रोथ अचीव किया है, जो कि कंपनी के स्टॉक प्राइस से क्लियरली दिखाई देता है। TCS के स्टॉक प्राइसेस ने पिछले 3 साल में इन्वेस्टर्स को 18.6% CAGR दिया है और 5 इयर्स में इस स्टॉक ने 13.5% CAGR दिया है। एज ऑफ June 2, 2023, TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन था ₹12.16 trillion और इसके स्टॉक की कीमत थी ₹3,305. अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। For quarter 4 FY23, is IT giant ne consolidated profit after tax of ₹11,392 crores kamaya, jo ki year on year 14.8% ka growth hai. The company's revenue from operations jumped by 16.9% year on year to ₹59,162 crores. TCS ne ek final dividend bhi announce kiya of ₹24 per share. वीडियो के एंड में जो स्टॉक है उसका 3-year CAGR ऑलमोस्ट 50% है, उसे मिस ना करें। सेकंड कंपनी इन द लिस्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दैट इज रिल इंडिया की जानी मानी मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका नाम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी लिस्ट में भी फीचर हुआ है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन इंडिया. रिलायंस को 1973 में धीरूभाई अंबानी ने सेटअप किया था और आज ये एक बहुत ही बड़ी और डाइवर्सिफाइड कंपनी बन गई है. रिल्स मेन बिजनेसेस आर एनर्जी. रिल इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है विद अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल्स एंड एलएनजी बिजनेसेस. पेट्रोकेमिकल्स, रिल का नाम इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में टॉप पर है. इट हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर्स एंड प्लास्टिक्स. रिटेल, इंडिया के रिटेल स्पेस में भी ये कंपनी सबसे ऊपर आती है. इट ओन्स रिलायंस रिटेल चेन विच ऑपरेट्स सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स एंड स्पेशलिटी स्टोर है. रिलायंस इंडिया का एक मेजर एम्प्लॉयर है विद एन एम्प्लॉई स्ट्रेंथ ऑफ ओवर 230,000 पीपल. कंपनी के डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस की वजह से उसका ग्रोथ रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है जो कि उसके स्टॉक परफॉर्मेंस में दिखाई देता है. रिलायंस के स्टॉक प्राइसेस ने पिछले 3 साल में इन्वेस्टर्स को 19% CAGR दिया है और 5 साल में इस स्टॉक ने 22% CAGR दिया है. एज ऑफ जून 2nd 2023 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था ₹16.7 लाख करोड़ और इसके स्टॉक की कीमत थी ₹2,455. रिलायंस ने क्वार्टर 4 FY23 में अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया. द कंपनी रिकॉर्डेड डबल डिजिट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. रिल ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर 19.11% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22.21% का जंप दिखाया है. लेकिन कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर सिर्फ 2.1% का ग्रोथ देखा गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.91% का गिराव हुआ. थर्ड कंपनी इन द लिस्ट इज ICICI बैंक. ICICI Bank is one of India's largest private sector banks, offering a diversified portfolio of financial products and services to retail, SME and corporate customers. Is bank ka branch network aur ATM network kafi bada hai aur well spread out hai. 5,300 branches and 15,200 ATMs across India. 30% of the bank's branches are located in metro cities. The bank is also involved in various related activities through its subsidiaries, which include ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, ICICI Lombard General Insurance Company Limited, ICICI Prudential Asset Management Company Limited, ICICI Securities Limited, ICICI Securities Primary Dealership Limited. ICICI बैंक के स्टॉक ने लास्ट 3 साल में इन्वेस्टर्स को अच्छा ग्रोथ दिखाया है और 42% CAGR एंड 5 years की बात करें तो स्टॉक का CAGR है 27%. एज ऑफ जून 2nd 2023 बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन था ₹6.6 लाख करोड़ और इसके स्टॉक की कीमत थी ₹938. ICICI बैंक का मेन फोकस है टू मेंटेन लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. बैंक ने क्वार्टर 4 FY23 में ₹9,122 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया. दिस वाज ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. ICICI बैंक की टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में ₹27,000 करोड़ थी जो कि बढ़कर ₹36,000 करोड़ हो गई है इन क्वार्टर 4. Considering a good performance in quarter 4, ICICI Bank ne ₹8 per share ka dividend bhi announce kiya. Yani long term investors ko capital appreciation ke saath saath dividend se bhi fayda hoga. Agar aap stocks mein invest karna chahte ho, to do try out stock SIP and don't be afraid to start small. Even a small amount of money invested regularly can make a big difference in the long run. Remember to do your own research before investing in any of these stocks. Thank you for watching. पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप ऐसे इंसाइटफुल स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन.